Hello everyone, Priyanka Saraswati this side. Welcome to my another live episode. Namaste aap sabhi ko. फटाफट से ज्वाइन हो जाएं. आज सारा करवा चौथ एडिशन है हमारे पास, क्योंकि करवा चौथ इज वेरी नेक्स्ट मंथ करवा चौथ आ रहा है. और करवा चौथ में के जो अभी से कलेक्शन और अभी से शॉपिंग सबने शुरू कर दी है, क्योंकि सब एडवांस में काम करते हैं. तो लाइट से हेवी वेयर सब लेकर आई हूँ आज. कोशिश करूंगी सब कुछ आज ही कवर करूँ. उससे पहले थोड़ा लाइट वेयर बता देती हूँ जो बहुत प्यारे प्यारे से है. अगर आप में से कोई भी जो डेली के हिसाब से या आने जाने के हिसाब से एकदम लाइट टू लेयर्स की पर्ल की माला चाहते हैं, और देखिए पहनने के बाद बहुत प्यूटी लगता है. पहनने के बाद देखो कितना ग्रेसफुल लगता है. लुक एट दिस, है ना, बहुत प्यूटी है ये. और क्वालिटी भी बहुत ऑसम है. क्वालिटी बहुत ऑसम है एकदम जो अच्छे क्वालिटी में जो मोती होती है, प्लास्टिक बीट्स वाली मोती नहीं है ये, जो जो प्रीमियम क्वालिटी की जो मोती है वो है छोटे साइज में. और ये डबल लेयर की एकदम प्यारी सी माला, ठीक है, आप स्कूल के हिसाब से, आप कहीं भी जाने आने के हिसाब से पहन सकते हैं. अब इससे ज्यादा लेयर्स बढ़ते जाएंगे, 2 से 5, 5 से 7, और मोती की बीट्स भी बढ़ती जाएंगी अलग अलग तरीके की. मंगला जी जय श्री कृष्णा, थैंक यू, प्लीज शेयर कर दीजिए, है ना. देखिए ये जो मैं पहना है डबल लेयर डबल लाइन की माला है. प्लीज टैग भी कर लीजिए ये ट्रिपल ये देखिए लेंथ यही रहेगी, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पहना है. आप देख सकते हैं पूरा नेकलाइन सिर्फ इस तरीके से गोल नेकलाइन कवर करेगा. बेसिकली देखिए पहनना किसके साथ है. आपने अगर कोई जैसे आज मैंने स्क्वायर शेप में का नेकलाइन चूज किया है ड्रेस में, आपने अगर साड़ी पहन रखी है साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा, है ना. और आप फॉर्मल्स के साथ डेली में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, गोल्ड इयर रिंग्स के साथ कुछ पहनना है तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है. जय विजय लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ये देखिए ये ट्रिपल लाइन की माला है ना. जो मैंने पहन रखी है वो डबल लाइन है, जो ये है वो ट्रिपल लाइन है. तीन लाइन की माला, बहुत प्रिटी सी तीन लाइन की माला. ओके, इससे भी ब्रॉड साइज में है माला, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. गाइस प्लीज आज मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत प्रिटी कलेक्शन है सबके लिए करवा चौथ के हिसाब से लेकर आई हूँ. पूर्णिमा जैन हाय कैसे हो, हेलो पूर्णिमा मैम, बहुत अच्छी हूँ और अब तो और भी अच्छी हो गई कि आपने मेरा लाइव ज्वाइन किया है. देखिए ये है आपके 5 लेयर्स की माला, ठीक है. मोस्टली आपको जो मोती के आकार मिलेंगे वो गोल या राउंड बीच में मिलेंगे, बट ये आप देखेंगे तो ये क्या है, ये थोड़ा ओवल शेप में है, ठीक है. पहने में बहुत प्यारे लगता है. मेरे को स्पेशली जब मोती देखती हूँ ना तो मुझे कौन से शेड्स याद आते हैं, बेबी पिंक, मैंगो डॉली, ऐसे कलर के शेड्स याद आते हैं. आप उन शेड्स के साथ आप बेबी पिंक, मैंगो डॉली, या अगर एकदम डार्क में जाए तो ब्राइट में जाए तो ब्लैक, उनके साथ आप पेयर अप करिए, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है. और साड़ीज के साथ, शिफॉन की साड़ीज के साथ स्पेशली बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छी क्वालिटी की माला है, मिस मत करिएगा स्टॉक, क्योंकि हम लोगों ने खुद कारीगर से बनवाया है. तो प्लीज थैंक यू विजय लक्ष्मी मैम फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. ये देखिए स्टार्टिंग है 2 लेयर की माला, फिर मैंने 3 लेयर की माला दिखाई है, अब मैं आपको 5 लेयर्स की माला दिखा रही हूँ. ओके, एनीबॉडी इंटरेस्टेड काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू व्हाट्सएप. कुछ समझ में नहीं आया ऐसे किटी विटी में जाने के हिसाब से, छोटे मोटे इनॉग्रल फंक्शन पे, हाउस वार्मिंग के फंक्शन में. अब ये है नेक्स्ट क्रिस्टल की 5 लेयर्स की माला, जस्ट फॉर ₹160, ठीक है. अच्छा ये ग्लास बीड्स है. क्रिस्टल बेसिकली आप लोगों को बता दूं, जिनके पास है वो तो बहुत ही अच्छी. पूर्णिमा मैम थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. देखिए जिनके पास है क्रिस्टल वो जानते हैं, क्रिस्टल 2 तरीके के आते हैं. एक तो बहुत थोड़े हल्के वाले में होते हैं जो प्लास्टिक में होते हैं, ये ग्लास बीड्स पे क्रिस्टल है, ठीक है. तभी ये शेड एकदम ट्रांसपेरेंट शेड है. जो भी ग्लास की मटेरियल या ग्लास का ज्वेलरी लेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा, जो वो ट्रांसपेरेंट सी दिखेगी उसमें. और इसकी शेड देखिए बहुत प्यारा सा, ये देख सकते हैं आप,
ओह थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास बीड्स है, ये बेसिकली आपकी कुछ भी, जैसे मैंने अभी एकदम डार्क पहना है, आप डार्क के साथ आप एकदम लाइट में कुछ पहनेंगे ना, कॉन्ट्रास्ट में खेलिए। कुछ भी फैशन क्या होता है ना, कॉन्ट्रास्ट का चलता है। कि आपने ब्राइट पहना है तो ज्वेलरी लाइट लीजिए, आपने ड्रेस लाइट पहनी है तो ज्वेलरी ब्राइट लीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग मैचिंग ब्लाउज और ब्लाउज के साथ साड़ी और ब्लाउज का कॉन्ट्रास्ट इंजॉय करते हैं, वैसे ही आप ज्वेलरी और अपने अटायर का भी कॉन्ट्रास्ट ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ग्लास बीड्स की जस्ट फॉर ₹160 शेड, अनकॉमन शेड है, जल्दी से नहीं दिखने को मिलेगा। वही मेरे पास बॉटल ग्रीन, रेड, मरून, बहुत सिल्की है, बट ये वाला मुझे बहुत डिफरेंट लगा, तो आज मैंने लाइफ में सबसे पहले आप लोगों को दिखाया जस्ट फॉर ₹160। ठीक है, पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से आप पहन सकते हैं इसको, कहीं भी आपकी लाइन यहाँ वहां वहां या नहीं हुई। दीक्षा जी ये जस्ट है ₹160। ठीक है, पेस्टल शेड्स है, किसी भी तरीके की आप ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, इंडो वेस्टर्न के साथ पहनिए इसको, आप इसको ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ पहने, इवन आपके पास चोकर है और चोकर के साथ आप इसको कुछ लंबा कुछ पहनने का ट्राई क्या सोच रही हैं, तो आप ये इसको पहनिए। अगर आपके पास शर्ट्स है, शर्ट पैटर्न में ब्लाउज है, या शर्ट पैटर्न शर्ट शर्ट एंड स्कर्ट्स है, तो आप इसको शर्ट के साथ ये ट्राई करें। ओके, भाग्यश्री जी क्या बोल रहे, इयर रिंग्स है साथ में? नहीं भाग्यश्री जी, ये इसके साथ इयर रिंग्स नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगी। कुछ कॉमन रखती हूँ मैं, कुंदन के छोटे स्टड्स, तो वो मैं आपको जरूर बता सकती हूँ, बाकी इनके साथ इयर रिंग्स नहीं है। इवन जो मोती की मैंने आपको माला जो मैंने पहन रखी है ना, इनके साथ भी इयर रिंग्स नहीं है। ठीक है, चलिए अब फटाफट से आप लोगों को आज के सेट्स से स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी एकदम लेटेस्ट कुछ ढूंढ रहे हैं ना, ये मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत प्यारा पीस है ये। इनफैक्ट मैंने एक स्टार प्लस के सीरियल में भी देखा है पहने हुए किसी को, एक बहुत अच्छा हिट सीरियल है, सुपर हिट सीरियल है, उसमें मैंने देखा है जो एक्ट्रेस है वो पहने हुई। इनके साथ स्टड्स भी है, मैं आपको बताऊंगी, बट आप देखिए सेट नंबर 1 ये है। बेसिकली वैसे गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप लोगों के पास मल्टी में भी है क्या पूर्णिमा मैम? मल्टी में बहुत सारे ऑप्शंस थे इसमें, लेकिन आप नहीं है, अब नहीं बनवाए मैंने। अगर आएंगे तो जरूर मैं मेरे व्हाट्सएप पे दूंगी, आप चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन है जो नंबर, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिए। ठीक है, हिमा जी वेलकम टू माई लाइफ, कमल मैम राधे राधे, कमल मैम प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल्स के लिए कुछ चाहिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, साड़ी इसके साथ कहीं भी आप सूट शरारा के साथ बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, है ना? ओके, इनके साथ इसके साथ स्टर्ट्स बताती हूँ आपको, और देखिए स्टर्ट्स ऐसे आएंगे, ये रहे इसके स्टड्स। ओके, फिर से एक बार पहन के दिखा देती हूँ, बहुत सारे पहने हुए हैं तो बस गले में लगा के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, पूरा नेकलाइन कवर होगा ऐसे, और बहुत ही प्रिटी सा लगेगा। दिस इज द लुक, व्हाइट व्हाइट चिकन कारी अगर आपके पास है। दीक्षा जी थैंक यू सो मच, दीक्षा जी गॉड ब्लेस यू फॉर शेयरिंग। अगर आपके पास एकदम व्हाइट है, व्हाइट के साथ ट्राई करिए, अगर आपके पास रेड है, रेड के साथ व्हाइट ट्राई करिए, बहुत प्यारा लगेगा। ओके, नया पीस था, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहा है अभी, फैशनेबल जो भी है। ओके, अभी इसी से इंस्पायर होकर इससे थोड़ा सा अच्छे उसमें, पूर्णिमा दी मैंने नंबर पिन कर दिए मैंने, आप मैसेज में स्क्रॉल करिए 8829978997। सबसे पहला काम मैं यही कर देती हूँ, क्योंकि सबको मेरे नंबर की, ये देखिए ये है दूसरा, इसमें ना ये सिमेट्रिकल शेप में है। ओके, और बॉटम में पूरा पर्ल वर्क है, बॉटम में पूरा पर्ल वर्क है, ये इस तरीके से जाएगा हेक्सागन पैटर्न में, बॉटम में पर्ल वर्क है और ये व्हाइट मेटल में। ओके, अब आप बोलेंगे व्हाइट मेटल में बहुत डिफरेंट है, बेसिकली आप क्रिस्टल और वो चोकर और वो सब देख के अगर आप उठ गए हो कुछ नया पहनना है,
इस करवा चौथ में कुछ एकदम नया नया लेटेस्ट कुछ पहनना है तो गो विद दिस। ये अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है, व्हाइट मेटल की ज्वेलरी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, एक तो ये क्या है, लाइट वेट है, दूसरा ये न्यूट्रल कलर्स में है, तो आप ये किसी के साथ भी, किसी भी कलर के साथ, कलर ऑप्शन के साथ, जैसे आप लोग मल्टी ढूंढते हैं ना कि मल्टी सबके साथ चल जाता है, वैसे ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप किसी भी, चाहे ब्राइट, लाइट, डार्क, किसी भी शेड के साथ पहनो, ये अच्छा लगेगा। भाग्यश्री जी, जो मैंने पहला ऑप्शन दिखाया वो मुझे अमेजिंग था, किसी ने पूछा नहीं, बट ये 250 रुपीज में ही अवेलेबल है, इसमें स्टड्स भी है, जस्ट फॉर रुपीज 250। अगर ध्यान रखिए आपने वी नेकलाइन पहना है ना, वी नेकलाइन के साथ, क्योंकि बेसिकली ब्लाउजेस में भी सब वी नेकलाइन बहुत पसंद करते हैं, तो वी नेकलाइन के साथ आपको अगर कुछ चाहिए तो ये गोल्ड लीजिए आप, बहुत ही खिलके आता है लुक। ओके, ये पहला ऑप्शन 250 का है, और ये दूसरा ऑप्शन जो है ये व्हाइट मेटल में है, दिस इज फॉर ₹500। इसके स्टड्स भी दिखाती हूँ आप लोगों को, 500 का बहुत प्रीमियम क्वालिटी का लाइट व्हाइट कलर का शेड है, व्हाइट मेटल पर, और पर्ल में नीचे बॉटम में पर्ल वर्क है, अंदर ग्लास बीट का वर्क है, कुंदन का काम है इसमें। मैंने पूरी डिटेलिंग दे दी है आप लोगों को। ओके, और ये है इसके इयर रिंग्स, बहुत प्रिटी से इसके इयर रिंग्स पहने हुए, ब्रॉड है, आप इसको बाद में ऐसे भी सूट के साथ पहनना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गाइस प्लीज थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ। अच्छा, इसके बाद बहुत प्रीमियम क्वालिटी का ड्रेस, अच्छा अभी जो पोलकी का दिखाती हूँ। थैंक यू निशि जी, माया बुआ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देखिए, अभी अगर आप बहुत कुछ हैवी पहनना चाह रहे हो ना, या घर में शादी के फंक्शन अटेंड करने हैं, बहुत नियर बाई शादी आ रही है, या कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसमें थोड़ा लहंगा वहंगा हैवी लुक पे कुछ पहनना है, तो उसमें हमारे पास अभी दो ऑप्शन बनवाए हैं मैंने, पोलकी में चोकर सेट, ठीक है, पहन के दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से सबको समझ में आएगा। मोती की माला भी पहन ली मैंने, देखिए इसमें अभी कलर्स भी दिखाऊंगी आपको, पहले आप ये लुक देख लो। कमल मैम कौन सा सेकंड सेट? अच्छा, मुझे लग रहा है मैं वो व्हाइट मेटल वाले दोनों सेट्स दिखा दूंगी मैम। ओके, ये देखिए, ये कुंदन नहीं है, इसको डार्क पोलकी बोलते हैं, ये डार्क पोलकी पे है, तीन पोलकी ऊपर एक नीचे बॉटम में पोलकी, और फिर उसके नीचे जो आप देख रहे हो ये टंबल है ग्रीन कलर के। अब इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास, आप चाहो तो इसमें रेड ले सकते हो, ग्रीन, रेड ग्रीन इसलिए कि आप किसी भी ड्रेसेस के साथ पहन लो, रेड और ग्रीन अच्छे लगते हैं, अब वरना आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, आप जो कलर बताएंगे हम उस कलर के ये बीड्स डाल देंगे, ठीक है। ये देखो आप, ये आएंगे इसके इयर रिंग्स। भाग्यश्री जी थैंक यू सो मच, लिटरली ब्यूटीफुल है, लिटरली ये बहुत ब्यूटीफुल पीस है। अभी मैं बैक कैमरा में 8 मिनट डमी में आप लोगों को बैक कैमरा में बताती हूँ। ये देखिए, ये डमी में आप देख रहे हो कि व्हाइट पे पूरा डार्क पोल की, इसकी शाइन देखिए आप, शाइन देखिए कितनी ब्यूटीफुल से शाइन है, और अभी जो मैंने पहना है उसकी इयर रिंग्स देखिए, सेम इयर रिंग्स है उसके भी, बस उसमें इसमें ग्रीन है और उसमें रेड है, बस दैट्स द डिफरेंस, नथिंग एल्स, ठीक है, जस्ट चेक। इसको डार्क पोलकी बोलते हैं, ये ब्यूटीफुल से, ये कुंदन नहीं है, इसको ये पोलकी बोलते हैं, जस्ट इसके बॉटम का, इसके बैक का, बैक की पॉलिश देखिए, और सेमी ब्राइडल सेट्स है, सारे सेमी ब्राइडल सेट्स हैं, लाइक आपको बहुत कुछ हैवी पहनना है ना तो आप बहुत अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं। ये देखिए, ये 250 का सेट है जो मैं आप लोगों को बता रही थी, मिरर वर्क है ये, और ये थोड़ा इससे प्रीमियम रेंज में अगर आप लेना चाहते हैं तो गो विद दिस। ये देखिए, ये 500 का पीस है, 500 का पीस है, चेक दिस, बॉटम में पूरा पर्ल वर्क है और लाइट वेट,
किसी भी अटायर के साथ बहुत ब्यूटीफुल जाएगा। ये स्टड्स हैं इनके साथ, इनके साथ स्टड्स हैं। मेघा जी थैंक यू सो मच, आई होप यू आर अ न्यू व्यूअर। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज प्रिया ज्वेलरी बॉक्स को लाइक करिए, लिटरली ब्यूटीफुल है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े से लाइट वेट या उन लोगों के लिए जो लोग सिल्की साड़ीज पहनेंगे ना, तो सिल्की साड़ीज की में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, वो डिपेंड करता है। देखिए अगर आप चूजी हैं, आप थोड़ा फैशन टिप्स को जरूर ध्यान रखिए, कुछ भी पहनने से अच्छा कि आप सोच समझ के पहने, ज्वेलरी भी सोच समझ के सिलेक्ट करें। हमेशा वो चीज मत दिमाग में रखिए कि हमें मल्टी कलर ही खरीदना है। जैसे आपने अगर बहुत अच्छा कांजीवरम टाइप का सिल्क पहना है तो उसके साथ ना गोल्ड या मैट लुक में पहनिए कुछ भी, तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि एक ये ऑप्शन है मैट में, बहुत प्यारा ऑप्शन है, ठीक है। पूरा मोती का वर्क है, टंबल है गोल्डन में, और ये आपका गजरा मोती आएगा, और ये है पेंडेंट। सुमित्रा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पेंडेंट देखिए है ना, पेंडेंट इस तरीके से प्रिपेयर करवाया है मैंने कि आप इस पेंडेंट को निकाल के आप अपने दूसरे किसी सेट के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल इसके इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज लाइक करिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और शेयर जरूर करिए। हाय सुमित्रा, हाय किरण जी, देखिए ये है इसके इयररिंग्स, ये आएंगे इयररिंग्स मैट पे। ये कब पहना है आपको, ये आपको कब पहना है मैं बताती हूँ। मेघा जी थोड़ा सा मेरे साथ बने रही, इसकी इयररिंग्स बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बस बताती हूँ। झुमकी स्टाइल की इयररिंग्स है, आपको बताती हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, इसकी वीडियो भी भेज दूंगी मैं आपको। जो आप जो भी मेरे को पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि एक बार बुक करने के बाद भी मैं यहाँ से डायरेक्ट डिस्पैच नहीं करती हूँ, एक बार वीडियो भेज के आप लोगों को फिर से इंश्योर करवाती हूँ कि यही आपका आइटम है जो आपके पास जा रहा है, और फिर आपको वो चीज मिलती है, ठीक है। ये देखिए कांजीवरम स्टाइल में कुछ पहनना है, लॉन्ग में कुछ पहनना है, तो गो विद दिस ब्यूटिफुल सेट विच इज वेरी प्रिटी, ओके। द प्राइस विल बी 640 इज द प्राइस ऑफ दिस, 640 रुपीज। ये इसके साथ इसके इयर रिंग्स पॉलिश, इसमें स्टोन वोन सब गारंटी मेरी है इसकी, है ना। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि कभी भी आपको कोई भी चीज एग्जैजरेट करके नहीं देगी, रेट्स रेट वाइज और हर चीज अफोर्डेबल है, क्वालिटी बहुत प्रीमियम है इसकी, है ना। सिल्क की साड़ी, गाजी सिल्क या आप बांधनी सिल्क या आप कांजीवरम सिल्क, साउथ सिल्क, कुछ भी ऐसा पहन रहे जिसमें जरी में बहुत हैवी वर्क है, पूरा ब्लाउज साड़ी का जो बीच का पार्ट है वो प्लेन है, या छोटे छोटे ब्लॉक्स हो उनके साथ आप लॉन्ग में कुछ पहनना चाहते हो तो गो विद दिस, लिटरली बताती हूँ बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप पे लॉन्ग सेट्स अच्छे लगते हैं तो आप गो विद दिस ब्यूटीफुल सेट विद दिस और दिस, ओके। शादी के फंक्शन में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब आप अगर आपने नेकलाइन की बात कर रही हूं मैं आपकी, अगर ब्लाउज का नेकलाइन ऐसा है स्क्वायर शेप में या आपका वी शेप में, या तो आप अगर गो विद दिस ब्यूटीफुल सा सेट, है ना। ये भी आप देखिए सिल्की साड़ी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं खुद आपको बताती हूँ, बाकी आपके फैशन सेंस या आप पर डिपेंड है कि आप क्या पहनना चाहते हैं। इसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन रूबी और ग्रीन में दिखा रही हूँ आप लोगों को बैक कैमरा में, देखिए देखिए पहला ऑप्शन जो है ना, एक ये ऑप्शन बहुत प्यारा सा है जो मैंने डमी में लगा रखा है, किस तरीके से नेकलाइन पूरी नेकलाइन कवर कर रहा है ना, ये इसमें शराफा दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग भी कर सकते हैं। ये देखिए है ना, पूरी टेम्पल ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी जैसी लग रही है ये, लाइट वेट रियल ज्वेलरी जो, और ये जो रूबी और ग्रीन के ये स्टोन्स है, कुछ भी प्लास्टिक नहीं है, ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज है, पहनने के बाद बहुत प्रिटी लगता है। इसके साथ इसके छोटे छोटे प्यारे से इयर रिंग्स है, बहुत ज्यादा पहन लिया है मैंने, ये देखिए ठीक है। इसमें कलर ऑप्शन एक जो मैंने आपको दिखाया अभी रूबी है जो डमी में लगा हुआ है, एक ये ऑप्शन है अपने पास ग्रीन और रेड में, और एक ऑप्शन है एकदम व्हाइट में, बहुत प्रिटी
व्हाइट बेसिकली व्हाइट स्टोन में या पर्ल मोती में लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये देखिए, ये सेट मैंने पहले करीबन लास्ट ईयर मैंने ये सेल किया था, जैसे ही मेरे को लाइव में दिखाने का मौका ही नहीं मिला था, तो जिन जिन को मिला है ना वो उन्होंने बहुत पसंद किया। इवन उस वक्त तो सिर्फ ग्रीन भी निकल गया था और एक रूबी था वो भी निकल गया था। इस बार हमने 3-4 ऑप्शन बनाए। ये देखिए व्हाइट, बैक कैमरा में ही दिखाना पड़ेगा, सब में अलग अलग, जो ये बीच में सेंटर गोल्ड का वर्क है ना सब में अलग अलग दिया है। ओके, इसके साथ जो इयररिंग्स है इयररिंग्स भी बताती हूँ, एक बार आप लोग सेट देख लीजिए। हेलो दक्षा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये देखिए बहुत प्यारा सेट है। एक फिर से ऑप्शंस बताती हूँ। पहला ऑप्शन ये डमी में जो है आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन है डमी में, ठीक है। इसी का दूसरा कलर है, ये सेम पैटर्न है, सेम डिजाइन है, बट कलर डिफरेंस है। ये दूसरा है वो रूबी में है, ये व्हाइट में है। ओके, और इसके अलावा जो दिस नेक्स्ट मैं एक और ऑप्शन जो मैंने बताया, तीन ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए, और इसकी प्राइस रेंज है 460 रुपीज। हाँ देखो मेरे सामने पड़ा है, मैं ढूंढ रही हूँ, 460 रुपीज। ओके, इयररिंग्स बता देती हूँ श्वेता मैम, 460। कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद मेरे लाइफ में आई है, थैंक यू सो मच, आई होप आप ठीक होंगी। ये देखिए मैम, 2.8 के बैंगल्स का बहुत अच्छा स्टॉक आया है, और जरूर आप एक बार बैंगल्स ट्राई करिएगा। ये देखिए है ना, सेम पैटर्न में आएंगे सारे झुमकीज, पहनने के बाद ऐसे लुक आएगा, रियल गोल्ड लुक आता है इसमें। हाँ, और पक्की बात है अगर आपने करवा चौथ में अगर ये पहना, और वो भी साड़ी आपने उसी हिसाब से अगर चूज की है, जैसे कुछ सिल्क में गाजी सिल्क जैसे मैंने आपको बताया है, बनारसी सिल्क में पहन रही है, कुछ रेड के साथ बहुत प्यारा लगेगा, तो गो विद दिस ब्यूटीफुल सेट। अब आते हैं, मैंने डमी में भी लगा रखा है। बस श्वेता मैम सब ठीक रहे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये सेट मैंने बहुत मतलब बहुत मुश्किलों से कारीगरों से ढूंढ ढूंढ के बोल बोल के बनवाया है, क्योंकि इसका मेरे पास आगे से अभी भी, ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऑलरेडी बुक्ड है। इसके फिर से मेरे पास मैंने बनवाने भेजे हैं, क्योंकि इसमें कलर्स बता देती हूँ, कुछ कलर्स मेरे निकल गए फेसबुक पे डालते ही। अभी मेरे पास फिलहाल सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं अभी लाइव में दिखाने के लिए, रेस्ट आप लोगों को कोई भी पसंद आए कलर ऑप्शन आप मुझे बता सकती हैं। अगर आप कस्टमाइज करवाना चाहती हैं, पॉसिबल होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट हॉटेस्ट सेलिंग, ये आता है निकलता है, ये ऑप्शन है इसमें। देखिए गोल मोती का वर्क है, रूबी और इमर्ल्ड ग्रीन के स्टोन है इसमें, ठीक है। आप अगर 2 मिनट रुकेंगी तो मैं पहन के दिखाऊंगी, और पहनने के बाद देखना लुक बहुत डिफरेंट आएगा, क्योंकि सही है कुछ एज ग्रुप एक होता है ना कि एक एज भी मैटर करता है, फिर ओकेशन मैटर करता है। ज्वेलरी और ड्रेस हमेशा हम एज ओकेशन ये सब चीजें देख के पहनते हैं, तो ऐसी ज्वेलरी जो लाइट वेट हो, जो किसी भी ओकेशन में आराम से पहने अच्छा लगेगा। ये देखिए पूरा नेकलाइन, ये अब आप पे है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गले के ऐसे भी कर सकती हैं, आप चाहें कि आपका पूरा ये वाला नेकलाइन कॉलर बोन पूरा कवर करे, उसको थोड़ा टाइट भी कर सकती हैं, और आप इसको लूज भी कर सकते हैं। बट लिटरली बताइए पहनने के बाद कैसा लगता है, ये बहुत ग्रेसफुल आइटम है। इसके हमारे पास एक और ऑप्शन है जो मैंने डमी में यहाँ लगा रखा है, चेक दिस आउट, दूसरा ऑप्शन ग्रीन, पूरा व्हाइट मोती का वर्क है, और ये देखिए ग्रीन स्टोन है, जो मैंने पहना है वो ग्रीन एंड रूबी मल्टी में है। और एक और ऑप्शन आता है इसमें, आप व्हाइट में अगर लेना चाहती हैं, पूरा रूबी ये इन स्टोन की जगह वो व्हाइट स्टोन आएगा। मेरे पास अगर पिक्चर है तो मैं किसी को भी पिक्चर चाहिएगा तो मैं आपको पिक्चर व्हाट्सएप कर दूंगी, आप
ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट। ओके, बहुत ब्यूटीफुल सेट है, प्लीज इसको मत मिस करिए। क्योंकि होता क्या है, हमारे ज्वेलरी बॉक्स में बेस ज्यादातर कॉमन से जो होते हैं ना, ग्लास बीड्स के, मीनाकारी के, चोकर, क्रिस्टल, ये सब होते हैं। बट पर्ल में ऐसी चीज, और वो भी रेट वाइज इतनी अफोर्डेबल, बहुत कम होती है। मैम भाग्यश्री मैम, थैंक यू फॉर द प्राइस, बताती हूँ ये 550 रुपीज का है, ये 550 रुपीज का है। और मैं लाइफ में बोलती हूँ कि मार्केट में ये 650 से 700 की रेंज में ये बिकता है। किसी भी मॉल या मार्केट में कभी आपको दिख भी जाए ना, तो 650-700 के नीचे नहीं मिलेगा। सो हेयर एट प्रिया ज्वेलरी बॉक्स यू आर गेटिंग एट जस्ट फॉर रुपीज 550 में बहुत प्यारा चीज है। प्लीज इंस्टेंट बुक करवाइए इसको। तो दो ऑप्शन है, एक ये रूबी और ग्रीन, और दूसरा ऑप्शन है ये ग्रीन, और एक ऑप्शन और है व्हाइट। व्हाइट भी मैं बनवा दूंगी, अगर किसी को ग्रीन की जगह व्हाइट चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं व्हाइट भी बनवा दूंगी। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, किसी जिनको भी पसंद आ रहा है प्लीज स्क्रीनशॉट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप करिए। ओके, नए व्यूअर्स प्लीज मेरे फेसबुक पेज प्रिया ज्वेलरी बॉक्स को जरूर लाइक करिए, फॉलो करिए नए नए अपडेट्स के लिए। हाँ, आज मैं आप लोगों को इनके साथ, इन ज्वेलरीज के साथ बैंगल्स भी बताऊंगी। हाँ, कौन से मैम पूछ रही थी ना मेरे को इनके बारे में, मैं अपनी, चलो आपको ये बताती हूँ इसके बारे में। इसकी झुमकियां दिखाती हूँ, बहुत प्यारी मैट में है। जो भी पूछ रहे थे प्लीज, आई होप मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए, पूरा फ्लावर मटर माला की तीन चेन है, ये तीन चेन है मटर माला की। फिर आपका आएगा पूरा फ्लावर, फ्लावर के नीचे ये पेंडेंट आएगा जिसमें जाल वर्क है, और बॉटम में फिर से एक टंबल और पर्ल का वर्क है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रही होगी इसकी डिटेलिंग। अब आई बारी झुमकियों की, बहुत प्यारी सी प्रिटी फ्लोरल पैटर्न की झुमकियां हैं। चलो इसे बैक कैमरा में दिखाती हूँ। गाइस प्लीज बने रहिए मेरे साथ, मेरे लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, थोड़ा सा लाइफ को इंटरैक्टिव बनाइए, ठीक है। ये देखिए प्रिटी सी लाइट वेट झुमकी है ना, ब्रास पे है ये पूरी जो ज्वेलरी है वो ब्रास पे है, तो इसलिए लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है ये। थैंक यू पूर्णिमा जी, ये देखिए है ना। तो ये जो पूछ रहे थे मैंने आपको बता दिया है, और इसकी रेंज है अगेन 550 रुपीस का, पूरा गोल्ड मेटल पे मैट फिनिश पे है ये। पॉलिश बहुत अच्छी चलती है, आप एकदम पॉलिश पे निस्फिकर रहिए। बस डिपेंड करता है कि आप इसको ज्यादा पानी में, या स्पेशली पानी पे तो कोई कॉन्टेक्ट लाता ही नहीं, क्योंकि तो डेली वेयर स्टफ है ही नहीं। आप जब भी कभी भी पहने तो प्लीज स्प्रे या डिओड्रेंट जो भी करना है वो ज्वेलरी के ऊपर, ज्वेलरी से अवॉइड करिए, दूर रखिए उसको, केमिकल्स को दूर रखिए, हेयर स्प्रे को दूर रखिए। क्योंकि कोई भी ज्वेलरी, चाहे वो नॉमिनल 150 की हो या वो 1500 की हो, ये किसी भी चीज के कॉन्टेक्ट में आती है तो उसकी पॉलिश खराब होती है। इवन आप सिल्वर भी पहनती है ना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे पॉलिश जा रही है, वो इसीलिए जाती है कि हम लोग उसको कहीं ना कहीं किसी केमिकल के कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं। अभी फिर से मैं पर्ल पे ही बता रही हूँ, पर्ल वाला इसलिए कि बेसिकली अगर आपने कुछ हैवी पहना है ना, लहंगा टाइप का, आजकल तो लहंगा भी बहुत अलग अलग पैटर्न में पहनते हैं। कोटा तोरिया वाला लहंगा पहना है आपने, बहुत अच्छा लगता है, जयपुर में कोटा तोरिया के लहंगा बहुत अच्छे मिलते हैं लहंगा। किसको बैक कैमरा में दिखाऊं, मेघा मैम इसको, ये वाले सेट को बैक कैमरा में दिखाऊं, एक मिनट। मैं दिखाती हूँ, रुक जाओ आपको दिखाती हूँ मैम, अभी कोई देखिए। अच्छा, तब तक आप थोड़ा सा ये देखते रहिए। मेघा मैम आप मेरे को प्लीज एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगी आपको अभी वो, आई होप। हाँ देखिए, ये व्हाइट पर्ल पर है,
है ना। आपने अगर लहंगा पहना है, स्पेशली लहंगा पहनेंगी आप करवा चौथ पे, और लहंगे के साथ बहुत प्यारे लगते हैं छोकर, क्योंकि मोस्टली लहंगे में जो बॉटम जो आप नेकलाइन तैयार करवाती है वो थोड़ा डीप होता है, तो डीप के साथ आप मॉडर्न कुछ कैरी करना चाहते हैं तो ये देखिए ये कैरी पूरा गला भर रहा है आपका इस पर्ल से, ये पर्ल की जो बीड्स है उससे पूरा गला भरेगा। और ये देखो तो ये बॉटम लाइन है ना, स्पेशली इस सेट की सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, इसकी जो ये बॉटम लाइन है बहुत खूबसूरत है, ये देखिए है ना, इसमें ये जो पर्ल वर्क है बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें टीका भी है और लॉन्ग इयर रिंग्स है, ये देखिए इयर रिंग्स देखिए आप, लाइट वेट है एकदम भी हैवी नहीं है, आराम से आप 3-4 घंटे पहनिए कंटिन्यूअसली, कुछ भी नहीं होगा मोर देन दैट अगर आप यूज टू हैं तो इन सब चीजों। और ये है इसका टीका है ना, ओके तो ब्यूटीफुल सा टीका, ब्यूटीफुल सा चोकर और ब्यूटीफुल सा इयररिंग, ब्यूटीफुल सी इयररिंग, ये सब चीजें बना देंगे आपको ब्यूटीफुल इन करवा चौथ। और इसी के साथ देखो मैं आप अभी शीशफुल भी लेके बैठी हुई हूँ, बैंगल्स भी लेके बैठी हूँ, मिस कर दिया मैंने नथ का भी अच्छे कलेक्शन आए थे, लाइट वेट नथ एकदम नथ, वो भी अगर आप में से किसी को महाराष्ट्र नथ चाहिए तो हमारे पास महाराष्ट्र नथ है, एडी में नथ है, और जिन्हें नथ चाहिए वो चेन के साथ वो नथ भी है। अभी कुंदन में अगर आप लोगों को देखना है अगेन व्हाइट पर्ल में चोकर तो एक अच्छा बहुत उसमें पूरा सेट है, कॉम्बो है पूरा, ये देखिए है ना। चलिए इसको डमी में पहनाती हूँ आपको, डमी पहन अच्छा लुक आएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि नेकलाइन कैसा कवर कर रहा है, ये तो शादी के ओकेशन में पहनना, थोड़ा हैवी साड़ी इसके साथ पहनना, बांधने की हैवी साड़ी है आपके पास, क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी, ट्रेडिशनल आपने सूट पहना है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये इसके साथ इसके इयर रिंग्स, छोटू से इयर रिंग्स, और वी हैव द मांग टीका ऑल्सो, इस सेट के साथ मांग टीका भी है, बहुत प्रिटी सा मांग टीका, एकदम हेवी नहीं लाइट सा मांग टीका, तो ये लाइट प्रीमियम क्वालिटी का लाइट मतलब एलिगेंट सा ग्रेसफुल सा सेट है, चोकर है, आप इसको थोड़ा सा लूज करके इसको नेकलाइन बहुत ज्यादा आपको टाइट नहीं पहनना है तो आप लूज करके भी पहनेंगे ना तो अच्छा लुक आएगा, ये देखिए ये लुक कैसा आएगा आपका, आपको अगर एकदम पूरा टाइट नहीं पहनना है तो आप इसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए पीछे से तो नेक इस तरीके से आपका कवर होगा, ओके। सो एनीबॉडी इंटरेस्टेड काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू व्हाट्सएप। गाइस मांग टीका भी लेकर बैठी हुई हूँ इसलिए थोड़ा बने रहिए मेरे साथ। कमल मैम जो सेट मैंने दिखाया उसका प्राइस है 650 इज द प्राइस। चलिए अभी दिखाती हूँ मांग टीका आप लोगों को, मांग टीका बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, देखिए राजपूती पोशाक पहनना है पहनेंगी तो उसके साथ देखिए ये वाला मांग टीका है ना, बोला है और बीच में बॉटम में चांद वाली पैटर्न है, ठीक है। अगर मैंने एक खोल के भी रखा है इस, ये ग्रीन के साथ पहनना था लेकिन मैं एक बार ऐसे ही पहन के दिखा रही हूँ आपको, बहुत प्रिटी लगता है पता है, मैंने इवन मेरे तीज में इसी तरीके से पहना था, मोटा बड़ा मोरला, मेरा तो बोला का साइज थोड़ा बड़ा था, और अगर आप लोग ब्रॉड में मीडियम साइज का बोला लेना चाहते हैं तो बोला, इस मांग टीके का सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका बोले का लुक हमेशा ऐसा ही रहेगा, और आपको किसी भी तरीके का आपको सिर्फ यहाँ से पिनअप करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सेट रहेगा ये, ठीक है। इसे चांदबली पैटर्न के बोला कहते हैं, और ये रही इसकी शीश पट्टी आपकी इच्छा है, आप पहनना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहनना चाहे तो भी चलेगा, लेकिन करवा चौथ का ओकेशन है तो उस ओकेशन में मांग टीका नथ तो
मस्ट है, जयपुर में तो मस्ट होता है कि आप, राजस्थान में तो मस्ट है कि आप मांगटीका तो पहनेंगी। मांगटीका के साथ जितनी भी मैरिड है वो नथ भी पहनती हैं। कई जगह जो पहली जो पुरानी औरतें थी वो गोल्ड भी पहनती थी इनफैक्ट। तो ये बोला ब्यूटीफुल सा बोला जस्ट फॉर रुपीज 80। इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ग्रीन में है और एक ये रूबी में। ओके, मोती का वर्क है ग्रीन एंड रूबी, ग्रीन एंड रूबी इसी पैटर्न का मांग टीका है पूरा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए है ना, 80 रुपीज, 80 रुपीज ओनली। मांग टीका नहीं है या पुराना हो गया है, कुछ नया लेना है तो ये ले लीजिए, एवरग्रीन पीस है। मैं हमेशा मैं रीस्टॉक करती ही करती हूँ इसको, ये राजपूती पोशाक के साथ बहुत अच्छी लगती है। चलिए मांग टीका दिखाया आपको रूबी में, अभी दूसरा पैटर्न दिखाती हूँ आपको ग्रीन में, ये सेम रूबी में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए पूरा डायमंड का वर्क आएगा इसमें और ये इस तरीके से आएगा, है ना, ब्यूटीफुल है। आप इसके साथ भी स्मॉल साइज होगा क्या हेमा मैम? इससे स्मॉल साइज बहुत सुंदर में नहीं है मेरे पास, बहुत एवरेज लुक में है जो मैं इस हिसाब से रखती हूँ कि लेडीज मुझसे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मांगती हैं, इसलिए मैं रखती हूँ। बाकी स्मॉल साइज वाले इतने ब्यूटीफुल नहीं है, इतने ग्रेसफुल नहीं है। आप चाहो तो इसको भी पहन सकते हो, बट बेसिकली इसके साथ शीशफुल कोई पहनता नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही बहुत प्रिटी लगता है। ये भी सेम रेंज 80 रुपीज, सेम रेंज 80 रुपीज। इसमें अगेन दो ऑप्शन है, ये देखिए, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसमें भी ग्रीन भी है और ये रूबी भी है, रूबी एंड ग्रीन। गाइस पूरा सेट खरीद रहे हैं तो सेट के साथ मांग टीका और बैंगल्स और शीश पट्टी इस बार कॉम्बो पहनकर रेडी होइए करवा चौथ में, मजा आ जाएगा। और पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं अपने फेसबुक पेज में फीचर करूंगी आपके पिक्चर्स, ये देखिए। ओके, भूल जाऊंगी इससे सबसे पहले मैं आप लोगों को हेयरबैंड दिखा देती हूँ। अभी जो मैंने वो दिवाली राखी में जो हेयरबैंड कॉम्बे निकाले थे वो कॉमन हो गए, तो इससे थोड़ा डिफरेंट सा बता रही हूँ आप लोगों को। मीनाकारी वर्क है इसमें, दिस इज ग्रीन रूबी और रेड मीना में, कुंदन है रूबी और ग्रीन के। ठीक है हेमा मैम, कुछ कॉम्बो नहीं है यहाँ, आप लोग कॉम्बो बनाइए अपने हिसाब से कि आपने जो अगर इयररिंग्स या सेट ले रहे हैं उसके साथ आपको अगर मैचिंग बोला लेना है या शीश पट्टी लेना है या अभी बैंगल्स भी बताऊंगी तो वो आप कर लीजिए, या आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको पर्सनली हेल्प कर दूंगी। ये देखिए अभी बहुत कुछ इजी पहनना है ना, तो ये देखो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, आप लोग सब जान पहचान के, तो मैं बताऊं कि मैं बेसिकली हेयर बैंड नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे बहुत कुछ यहाँ मतलब थोड़ा हैवी फील होता है, इसलिए मैं नहीं पहनती। इसलिए मैंने जो जब मैंने परचेज किया था डीलर से तो मैंने उनको स्पेशली बोला था कि आप ये मेटल अच्छा क्वालिटी का यूज करिए, जो लेडीज जब भी पहने तो आराम से पहन सकती है, मतलब ये एकदम टाइट नहीं है। कहने का मतलब कुछ हेयर बैंड होते हैं इतने टाइट होते हैं कि आप आराम से उसको कैरी नहीं कर सकते। ये इतना इजी गोइंग है, इतना अच्छा लाइट मेटल है कि आपको इतना फील नहीं होगा कि आपने कुछ हैवी सा पहना है ना। जो लोग पिनअप के से बचना चाहते हैं या हेयर फॉल होता है, आप बहुत सारे पिन करते हैं हेयर फॉल होने लग जाता है, तो उससे बचने के लिए आप हेयरबैंड ले लीजिए, अच्छा लगता है। हेयरबैंड का सबसे अच्छी बात क्या है ना कि हेयरबैंड आप स्टाइलिंग कर सकती है। कैसे करना है स्टाइलिंग? आप इंडो वेस्टर्न के साथ स्टाइलिंग करिए, लहंगे के साथ करिए, इवन साड़ी के साथ बिना मांग टीके के करिए, सिर्फ स्ट्रेट किया बाल, बालों को स्ट्रेट करके सिर्फ ये आपका हेयरबैंड पहना, आपका लुक फिनिश। मतलब अभी तो अगर आप बाल खोल के बैठती और अच्छे से इसको प्रिपेयर होकर बैठती तो ये बहुत ग्रेसफुल लगता। ठीक है, तो हेयर बैंड अभी एट दिस मोमेंट, अभी ये जो टाइम आ रहा है, आपके जितने भी ओकेशन आएंगे घर पे, शादी है, त्योहार आ रहे हैं, एनिवर्सरी है, बर्थडेज है, कोई भी मंगल पाठ है, उसमें हम लोग अच्छे से ट्रेडिशनली तैयार होकर जाते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है आपके ज्वेलरी की, तो इसलिए हेयर बैंड चीजफुल लेना ना भूले, जरूर लें, बहुत अच्छा लगता है लुक वाइज। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर रुपीज 150 का है। ऐसे कलर शेड्स हैं, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है कि मोस्टली सब अटायर के साथ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अब शीशफुल दिखा देती हूँ। अगर आपने देखिए
अगर आपने ये वाली ज्वेलरी पसंद की है तो इसके साथ मैचिंग शीश फूल भी है हमारे पास, वो है ये देखिए, बहुत प्रिटी सा शीश फूल है ये, बहुत प्रिटी सा। इसको बैक कैमरा में दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ठीक है, ब्रॉड में भी है, इसमें सर्कल और स्क्वायर का सिमेट्रिकल पैटर्न में पूरा बहुत अच्छी क्वालिटी का कुंदन किया हुआ है तैयार। इसके साथ मांगटीका पहनने की जरूरत नहीं, इससे बेहतर एक्सेसरी कैरी करिए। डिजाइन नंबर वन अभी फटाफट से बताती हूँ ये, अगर ट्रेडिशनल कुछ पहनना चाहते हैं गोल्ड के मेटल गोल्ड की ज्वेलरी के साथ, दिस इज डिजाइन नंबर टू, गोल्ड ज्वेलरी के साथ ही अच्छी लगती है। अब ये जो दो पैटर्न आए हैं ये देखिए, ये दो पैटर्न आए हैं है ना, ये आप लोग एकदम मिनिमम लुक के लिए कि एकदम बस पतली सी चेन पहननी है, बहुत प्यारा लगता है ये पहना हुआ। एक मिनट, एक पहन के दिखाते हैं आपको, कुछ होता है ना जो मिनिमम ग्रेसफुल चीज पसंद करते हैं उनके हिसाब से ये वाली जो मांगती शीश पट्टी है, माथा पट्टी है, वो बहुत अच्छी है। एक मेरे पास और है, मैं वो लेके नहीं बैठी हूँ, वो मैंने कारीगर से तैयार करवाई थी, ये वो हैंडमेड है, मैं दिखाऊंगी, देखिए कितना, ठीक है, ये देखिए लोग कितना अच्छा आ रहा है। आप चाहो तो इसको कैसे स्टाइल कर सकते हो, मांगटीका के साथ भी स्टाइल कर सकते हो या सिर्फ ऐसे पहन सकते हो। मैंने हमारे यहाँ गनगौर का फंक्शन हुआ था, तो गनगौर के फंक्शन में सिर्फ एक बहुत इससे भी छोटी पतली शीश पट्टी पहनी थी और कुछ भी नहीं पहना था, बहुत प्यारा लगा था। ठीक है, आप ऐसे भी स्टाइल कर सकते हैं बिना शीश पट्टी या बिना शीश फूल के। चलिए बाद में निकाल लूंगी। ओके, अब आ गई है बैंगल्स की बारी, एक थोड़ा ब्रॉड में चाहते हैं तो गो विद दिस। आप चेक करिए, रिकॉल करिए आपके पास ज्वेलरी में क्या क्या है, कौन से सेट है या कौन सी साड़ी पहनेंगी, तो उस हिसाब से आप खुद चूज करिए। अच्छा, डेली वेयर चेन के लिए जो भी बोल रहे थे ना, वो देखिए चेन के साथ थोड़ा फैंसी चेन आई है, डिजाइन नंबर वन, बैक कैमरा में दिखाती हूँ आपको डिजाइन, आप आराम से इसको डेली में पहनिए, मस्त आइटम है डेली में पहनने के हिसाब से। ये देखिए, नीचे डबल लेयर की माला है, डबल लेयर की माला है नीचे, और ये ऊपर इसमें मटर माला पैटर्न दिया हुआ है, दो तरीके की कलर्स यूज किए गए हैं, मरून और ग्रीन, और ये डायमंड स्क्वायर का एक तो ऑप्शन ये है। ठीक है, डब डेली वेयर अच्छी क्वालिटी की बता रही हूँ, डेली वेयर चीज है, एक उससे भी लाइट वेट, बहुत प्यारा आइटम। गाइस थोड़ी शेयरिंग कर दीजिए, यहाँ जयपुर में तो एकदम भी बारिश का माहौल था आज, बट बारिश नाम का कुछ भी नहीं हुआ, इतनी गर्मी है यहाँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, वरना इतनी ह्यूमिडिटी नहीं थी यहाँ। देखिए ये जितने भी तीन सैंपल दिखाऊंगी मैं आपको, आप आराम से डेली में पहने, ठीक है, ये देखिए पहला सैंपल है, ये चेन बहुत प्यारी चेन है, मतलब एकदम लाइट वेट है, डेली में पहनिए, और इसमें जो सबसे अच्छी बात है ये तीन बॉल्स के तीन लेयर्स हैं, पहनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगेगी ये, मैं पहन के पिक्चर रील में भेजूंगी तभी सबको समझ में आएगा। दूसरा ऑप्शन है ये मटर माला, बैक कैमरा में बताती हूँ, ये देखिए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ये मटर माला,
चलिए फटाफट से फैंसी बैंगल्स दिखा देती हूँ। आज का जो भी कुछ भी बुक करना चाहते हैं उसके साथ अगर बैंगल्स भी चाहिए डिजाइनर में, जो डेली वेयर वाला है वो ऑप्शन आज नहीं रखा है मैंने, सिर्फ आपको फैंसी वाला बताती हूँ। देखिए कुंदन का कोई भी सेट खरीद रहे हैं तो गो विद दिस कुंदन वाला, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर ₹250। कुंदन में ये 2.6, 2.8, 2.10, अगर आप बोलेंगे तो 2.4 रीस्टॉक कर देंगे हम आपके लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये 450 का है, जो ग्रीन और रेड मीनाकारी में है, बीच में एडी का वर्क है। देखिए ये वाला मैं आपको दो जो नए आए हैं ना वो मैं बताती हूँ आपको, ये नया आया है, ये आराम ये 250 के चार है, सेट ऑफ फोर है 250 के, 2.6, 2.8, ओके। दिस इज 320, ये इसी का दूसरा रेप्लिका है, ये थोड़ा इससे भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है। दिस इज 320, ये वाला जो ऑप्शन है ना बैंगल में, ये 320 में आप स्टैक बना के पहन सकते हैं, और ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी का है, क्वालिटी की चीज है। दिस इज 550, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल कुंदन और ये जो डायमंड है ना, सॉरी डायमंड और जो ये रूबी है ये स्टोन में है, ओके। ये 550 का है बीच वाला, दिस इज 550। तो कुछ अमेरिकन डायमंड का अगर आपके पास है घर पे तो आप इसको चूज करें। अच्छा ये मैंने रील में दिखाया था, रील में ही बुक हो चुकी है, बस मैंने सैंपल के लिए इधर एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए सेट ऑफ फोर है, इसका शेप इस तरीके से जाएगा, आप स्टैक बना सकते हैं, स्टैक मतलब आप चूड़ा बना सकते हैं, बीच में आप वेलवेट डाल दीजिए चूड़ी इसकी, लाख की कड़े आपके पास लाख की कड़े डाल दीजिए। ये देखिए लुक इस तरीके से आएगा स्क्वायर लुक में, और ये पूरा अंदर जो वर्क है ना इसमें ग्लास बीड्स दिए हुए, कांच के मल्टी कलर के बॉल्स दिए हुए, बहुत प्यारी चीज है, मार्केट में न्यू लॉन्च है। रखड़ी या वो क्या बोलते हैं उसको, रखड़ी बोलते हैं, इतनी रखड़ी नहीं बोलते उसको, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो मेरे पास है तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो वो आगे पीछे पहनने के हिसाब से ये दो चूड़ियां हैं, आप चाहो तो इसको इसका पेयर पहनिए आप आराम से, आप इसके स्टैक बना के पहनिए, और आप इसको वेलवेट में भी वेलवेट वाले बैंगल्स के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं, है ना। और ये मल्टी कलर के पीसेस भी अच्छे लगते हैं, कुछ भी पर्ल का खरीद रहे हैं, इवन आप ये भी खरीद रहे हो ना बल, या आपके पास ऐसा कुछ है ऑलरेडी पर्ल में मल्टी में, तो गो विद दिस स्क्वायर बैंगल्स, बहुत ट्रेंड कर रहा है मार्केट में अभी। नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाले जो भी है 350, सेट ऑफ फोर 350। दूसरा ऑप्शन बताती हूँ आपको, ये घुंघरू वाले बैंगल्स, ये ग्रीन में भी आते हैं, रेड में भी है, रेड वाला मैं लेकर नहीं बैठी हूँ, ग्रीन में है जो मेरे पास, ये है आपके 200, ये है 200 का है, ओके। ये है ही, अभी अगर आपको अमेरिकन डायमंड में कुछ चाहिए तो मैं आपको अमेरिकन डायमंड का एक बार जो अभी मैंने यहाँ मेरे सामने रखा है वो बता रही हूँ, नेक्स्ट लाइफ में और नया कलेक्शन बताऊंगी। देखिए पर्ल के 250 के बहुत प्यारे एवरग्रीन 250 पर्ल में है, पूरा कारीगर ने इतने अच्छे से पिरोया है बारीक मोती का ये, और ये हमेशा पिरोई इतनी अच्छी गई एज इट इज रहेगा, पॉलिश वॉलिश सब कुछ एज इट इज रहेगा, 250 का बहुत मस्त आइटम है ये, ठीक है। अमेरिकन डायमंड के बैंगल्स बता रही हूँ, ये बॉल वाला ब्रेसलेट पैटर्न में, दिस इज 300, ये भी अगेन 300 में, देख लीजिए जाल वर्क है और बीच में पूरा लीफ पैटर्न है, ये भी ये लीफ पैटर्न में है 300, और ये 350 का है, ठीक है। दिस इज 350। मेरे साथ बने रहने के लिए इतने देर के लिए थैंक यू सो मच, आपको कैसा लगा लाइव जरूर मेरे कमेंट में आप लोगों ने जितने भी सपोर्ट किया थैंक यू। और आज का कलेक्शन लिटरली अफोर्डेबल भी है, और करवा चौथ आ रही है इसलिए फटाफट से जरूर बुक करवाइए। मेघा मैम आपको मैं पर्सनली, आप मेरे को प्लीज एक हाई हेलो मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, पर्सनली इसका पूरा वीडियो बना के भेजूंगी मैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।